अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, बहुत लोग पूछते हैं कि हमारी कैट प्रेग्नेंट है या नहीं, कैसे पता करें, अब तक पता नहीं चल रहा है, मैटिंग करवा कर 1 मंथ हो गया है तो हम क्या करें। तो अल्ट्रासाउंड कराना हर किसी के बजट में नहीं होता है, सो मैंने सोचा कि कुछ आप लोगों के साथ ऐसे सिम्टम्स मैं शेयर करूँगी जिन्हें देख कर आपको लगेगा कि हाँ, हमारी कैट प्रेग्नेंट है। सो फर्स्ट, सबसे पहले तो आपने ये चेक करना है कि जब आप मैटिंग करवा रहे हो, आपने मैटिंग के लिए किसके पास दिया है, तो कंफर्मेशन वीडियो आपने लेनी है उनसे। उन्हें कहना है कि मैटिंग करते वक्त आपने वीडियो निकाल कर हमें देना है, या अगर आपने मैटिंग करवा रहे तो अपनी आँखों से के सामने उन्हें मैटिंग करते हुए देखो, तो एक कंफर्मेशन हो जाता है कि कैट की मैटिंग हो गई है और आपकी कैट प्रेग्नेंट होने के 99.9% चांसेस होते हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि मैटिंग फेल होती है, लेकिन बहुत कम केस में ऐसे होता है। सो ये एक फर्स्ट सिम्टम, तो मतलब एक पॉइंट हम ये भी कैच करेंगे कि आपके पास उसका वीडियो होना ज़रूरी है। अब सेकंड, सबसे बड़ा सिम्टम ये है कि मैटिंग के 10 to 15 days में कैट को उल्टी होगी, वॉमिटिंग होगी, और हो सकता है कि सिर्फ एक ही बार हो, या अगर ज़्यादा बार होता है, 1 से 2 बार अगर उल्टी होती है तो नॉर्मल है, होता ही है। अगर बहुत बार हो रही है, लाइक दिन में वो 4 से 5 बार उल्टी कर रही है, खाना नहीं खा रही है, तो फिर आपने अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करना, या आप हमेशा किसी के पास जाते हैं, कोई डॉक्टर होगा तो उनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी अभी न्यूली कैट परचेस की है, तो एक अच्छा सा डॉक्टर अपने नज़दीकी एरिया में जाकर चेक कर लें, ताकि मैटिंग के बाद आपको ज़रूरत पड़ सकती है। सो सेकंड सिम्टम ये हो गया। थर्ड सिम्टम ये है कि वो आप ये देखोगे कि मैटिंग कराने के कुछ दिनों बाद, अराउंड 1 वीक के बाद से ही कैट में एक चेंज आएगा कि वो हर वक्त सोती रहेगी। जब उसको भूख लगेगी तभी वो उठेगी, खाना खाएगी, थोड़ी देर राउंड लेंगी और फिर सो जाएगी। तो ये एक बहुत ही बड़ा सिम्टम है। मतलब जब से मैंने कैट्स को लेना स्टार्ट किया है, मैंने प्रेगनेंसी में उसका ये एक चेंज देखा है, और ये मतलब बहुत ही कॉमन है। कुछ लोगों की कैट्स वैसे भी सोती रहती हैं, लेकिन अगर आपकी कैट एक्टिव है और मैटिंग करवाने के बाद अगर वो सो रही है, तो ये एक सिम्टम पकड़ा जाता है। नेक्स्ट सिम्टम ये है कि वो जितना खाना खाती थी पहले, उससे उसकी थोड़ी क्वांटिटी वो बढ़ा देगी, या वो दिन में 4 से 5 बार ऐसे लगेगा आपको कि भूख लगी है उसको और वो बोल रही है खाना देने के लिए। तो ये एक आपने ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है कि मैटिंग करवाने के बाद आपने उसको थोड़ा ज़्यादा खिलाना है। अगर वो नहीं भी खा रही है तो उसे फोर्स करे, या उसकी पसंद की उसके चीज़ें दे, जो वो ज़्यादा खाना पसंद करती है वो उसे दे, जेली वगैरह आप दे सकते हैं, जो भी उसे पसंद है वो आप दे। और उसको अगर 3 टाइम आप खाना दे रहे थे तो 5 टाइम उसे खाना दे। तो ये आपने ध्यान रखना है, जिससे उसकी सेहत अच्छी रहेगी और किटन्स भी हेल्दी होंगे। नेक्स्ट सिम्टम ये है कि 20 to 25 days में कैट के निप्पल पिंक दिखने लगते हैं। मतलब वो जो निप्पल की नॉर्मल साइज़ होती है ना, उससे वो बढ़ जाता है। ये देखिए, ये नॉर्मल है, ये 25 days के बाद में ये निप्पल बढ़ जाएंगे, पिंक हो जाएंगे। मैटिंग के कुछ दिनों बाद से ही कैट अपने पेट का एरिया ऐसे साफ़ करते हुए आपको दिखेगी, और ये एक बहुत ही बड़ा चेंजेस है। निप्पल का एरिया वो इस तरीके से साफ़ करते हुए दिखती है, और ये भी एक सिम्टम माना जाता है प्रेगनेंसी का। तो ये भी आपने चेक करना है कि क्या आपकी कैट इस तरीके से साफ़ करती है। नेक्स्ट सिम्टम ये है कि 20 days के बाद आप देखोगे मैटिंग के स्टमक कैट का थोड़ा सा नीचे की तरफ लटका हुआ आपको दिखने लगता है, और कैट का वेट भी बढ़ जाता है। इससे ये कंफर्म हो जाता है कि कैट प्रेग्नेंट है, लेकिन आपने मैटिंग करवाने के पहले कैट का वेट चेक करना है, और फिर 20 to 25 days या 1 मंथ के बाद में आप चेक कर सकते हैं। ये ज़्यादातर केस कब होते हैं कि फर्स्ट टाइम जब कैट प्रेग्नेंट होती है ना, तो जल्दी पता नहीं चलता है। 1 मंथ तक हमको कन्फर्म नहीं होता है कि कैट प्रेग्नेंट है या नहीं। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि वो फ्रेश कैट होती है, और अक्सर मतलब 50% कैट में ये प्रॉब्लम होती है कि वो फर्स्ट टाइम में 1 या 2 ही किटन्स देते हैं। अगर ये केस है तो जल्दी नहीं पता चलता है, कभी कभी तो ऐसे भी हो जाता है। मेरे साथ एक केस ऐसा भी हुआ है कि मुझे अराउंड
35 to 40 days तक मुझे पता ही नहीं चला था कि मेरी कैट प्रेग्नेंट है। एक्चुअली में मैटिंग की वीडियो तो थी बट फिर कंफर्म नहीं था कि क्योंकि उसके कोई भी सिम्टम ज़्यादा तो शो नहीं हो रहे थे और फर्स्ट टाइम था वो कैट का। और समटाइम्स ये भी सिचुएशन आ जाती है कि हमें प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए अल्ट्रासाउंड भी करवाना पड़ता है क्योंकि कैट के कोई भी सिम्टम शो नहीं होते हैं और ये केस बहुत रेयर होता है। सो इस पर हम अलग से कभी बात करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है और आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सएप करना, कॉल मत करना क्योंकि मैं सभी के कॉल का आंसर नहीं दे सकती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर ले। कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती है और नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सी टॉपिक पर वीडियो